मगध रेंज आईजी ने महाबोधि मंदिर पहुंच लिया मंदिर सुरक्षा का जायजा, बढ़ाए जाएंगे महाबोधि मंदिर में लगे सुरक्षा कर्मी। बोधगया मगध रेंज आईजी अमित लोहरा ने आज दिन शुक्रवार को महाबोधि मंदिर पहुंच मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने मंदिर सुरक्षा में लगे कर्मियों को चौकस और सघन जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश करने को कहा। मंदिर के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पॉइंटों को बारीकी से देखा और सुरक्षा कर्मियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मिली जानकारी के अनुसार मंदिर सुरक्षा में तैनात कर्मियों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। मगध रेंज आईजी अमित लोढ़ा ने पत्रकारों को बताया कि आने वाले समय में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दी जाएगी। देखिए, बोधगया एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दलाई लामा जी खुद आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का स्वयं निर्देश है कि बोधगया की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं आनी चाहिए। थोड़े दिन पहले SSP साहब ने आके स्वयं पूरी जांच की थी, काफ़ी डिटेल में वो गए थे और आज उसी क्रम में मैंने आगे देखा, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन क्योंकि यहाँ पहले घटनाएं हो चुकी हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल फूल प्रूफ हो जाए। और जो हमारे आज हमने पूरा राउंड लिया, पूरा सब कुछ देखा, हमको उम्मीद है आने वाले दिनों में इसकी सुरक्षा अभेद हो जाएगी और काफ़ी इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं, कमियाँ रहेगी, उसको भी हम पूरा करेंगे। और हमारे जवानों को मनोबल बहुत अच्छा है, पूरी गया की टीम, यहाँ के हमारे DSP, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर बोधगया, सिक्योरिटी सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको इसकी सुरक्षा और भी अच्छी दिखेगी।